सो टुडेज टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज का टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग बात करेंगे कैश फ्लो के बारे में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन। MCO 5 में ये क्वेश्चन काफी कॉमन है, मतलब कैश फ्लो से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो पक्का होगा। ठीक है, सो अगर इस टॉपिक को कर लेते हैं जो कि ऑलरेडी आया हुआ है एग्जाम में, तो काफी हेल्प हो जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी आप एग्जाम्स में अगर ये टॉपिक क्लियर रहेगा तो आप इसके आंसर्स को आप लिख पाएंगे। सो दैट इज वाई दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसी को हम लोग करने वाले हैं। सो द क्वेश्चन इज हाउ इज कैश फ्लो स्टेटमेंट डिफरेंट फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट से कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरीके से अलग होता है एंड व्हाट आर द एडिशनल बेनिफिट्स टू टू डिफरेंट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट से तो हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, बट अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी साथ में बना लें तो क्या क्या एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिल सकती हैं। जो भी अकाउंटिंग के यूजर्स होते हैं उनको क्या क्या एडिशनल बेनिफिट्स मिल सकती हैं वो हम लोग इसमें करेंगे और इसको काफी डिटेल में किया जाएगा। एक्सप्लेन देम ब्रीफली, डिटेल बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, ब्रीफ में ही करना है, बट वी विल डू इट एंड काफी इजी है टॉपिक, इतना टफ नहीं है। सो वी विल स्टार्ट नाउ। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट तो आपको समझ में आ रहा है कि कैश फ्लो है ना, पैसा का आना और पैसा का जाना, कैश का आना और कैश का आउट होना, है ना। इनकम स्टेटमेंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं, जो हम लोग ये निकालने की कोशिश करते हैं कि साल भर में किसी कंपनी का कितना इनकम हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट उसको कह सकते हैं, PL भी हम लोग उसको कह सकते हैं। ठीक है, सो कैश फ्लो और इनकम स्टेटमेंट ये है आर टू एसेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये दोनों ही बहुत ज्यादा एसेंशियल होते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में किया जाता है। कैश फ्लो से एग्जैक्ट फिगर आपको पता चल पाता है कि कितना कैश किस प्रोजेक्ट में लगा है और कितना कैश आपके पास अभी बचा हुआ है और कितना कैश अभी आप और इन्वेस्ट कर सकते हो, एक आइडिया आपको जो है उससे हो जाता है। ठीक है, सो दोनों ही स्टेटमेंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दे सर्व डिफरेंट पर्पसेस। दोनों का डिफरेंट जो पर्पस है वो डिफरेंट डिफरेंट है क्योंकि एक आपको प्रॉफिट बता रहा है कि आपका इनकम कितना हुआ है और एक आपको कैश फ्लो बता रहा है। कैश फ्लो का मतलब ये नहीं होता कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, कुछ भी हो सकता है। कैश का आना कैश का जाना प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दर्शाता। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता करना है तो उसके लिए आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, PL अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कैश का फ्लो पता करना है कि कौन सा कैश किस कहाँ पे गया, पैसा जो है आखिर गया तो गया किधर, ये अगर आपको पता करना है, आपको ये भी यहाँ से पता चल जाएगा कि किस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगा है और अगर किसी प्रोजेक्ट में ज्यादा लगा है तो भाई क्यों लगा है ना। सो दोनों के अपने अपने इंपॉर्टेंसेज हैं और दोनों के अपने अपने पर्पसेज हैं एंड इट प्रोवाइड्स डिस्टिंक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो दोनों ही अलग अलग तरीके की जानकारी जो है आपको प्रोवाइड कराता है। हियर आर द की डिफरेंसेस बिटवीन द टू। इन दोनों में जो हम लोग की डिफरेंसेस करेंगे हम लोग एक एक करके करेंगे अलॉन्ग विद द एडिशनल बेनिफिट्स, और क्या क्या एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिलेंगी उसको भी हम लोग इसमें करने वाले हैं। सो द सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है पर्पस। ठीक है, तो जो पर्पस है मैंने ऑलरेडी बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट में का क्या पर्पस होता है। इनकम स्टेटमेंट आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस बताता है और कैश फ्लो क्या करता है, कैश फ्लो आपको पैसे के फ्लो को चेक बताता है कि पैसा जो है कहाँ गया, किधर गया, किस प्रोजेक्ट में ज्यादा लगा, किस प्रोजेक्ट में कम लगा, अगर कहीं ज्यादा लगा तो क्यों लगा, आपने आपको आपने अगर किसी को इन्वेस्ट किया है कहीं पे, अगर आपने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, कितने आपको आ सकते हैं, कितना आपने इंटरेस्ट कमाया है ना। ये सारी की सारी चीजें जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड होती हैं। सो इनकम स्टेटमेंट की बात करेंगे पर्पस के मामले में, सो इट रिपोर्ट्स अ कंपनीज रिवेन्यूज एक्सपेंसेस गेन्स एंड लॉसेस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, है ना, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, आप लोगों को पता है कि जो अगर हम मुझे कंपनी का फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस निकालना रहे, फाइनेंशियल फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो जनरली एक साल का होता है, तो इन जनरल हम लोग एक साल का ही निकालते हैं। बट अगर आप चाहो तो एक महीने का, एक क्वार्टर का, या फिर 6 महीने का भी आप चाहो तो इनकम स्टेटमेंट निकाल करके चेक कर सकते हो क्योंकि कंपनीज अप टू डेटेड रहते नहीं है रहती हैं। ऐसा नहीं है कि दिसंबर का महीना आएगा तो ही वो लोग जो है काम करना स्टार्ट करेंगे, है ना, वो लोग पहले से ही हर एक महीने का जो है रिकॉर्डिंग की जाती है। तो अगर आप चाहें तो इनकम स्टेटमेंट आपको वहां से मिल सकती है एंड यू विल बी लाइक क्या कहें, आपको सही लगेगा, अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा क्योंकि अगर चीजें मंथली होंगी तो आप उसको अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। सो मेन पर्पस इनकम स्टेटमेंट का यही होता है। दूसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, सो इट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ कंपनीज कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। यहाँ पे स्पेसिफिक पीरियड की बात हो रही है,
अब ऐसा नहीं है कि आपको 5 साल का कैश फ्लो एक साथ चेक करना है। आप जब बोलोगे तो आप ना कोई स्पेसिफिक पीरियड बोलोगे ना। अगर आपको लग रहा है कि पैसे में धांधली हुई है, कुछ पैसे इधर उधर किए गए हैं, तो आपको जिस पीरियड में डाउट है कि चलो इस साल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिछले साल लग रहा है कुछ प्रॉब्लम था, तो पिछले साल का आप कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करोगे। सो जो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा वो किसी किसी ना किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए होगा, कैटेगराइज इंटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है ना। तो हम लोग कैश फ्लो को जो कंपनीज होती हैं उसको डिवाइड कर देती हैं, कैटेगराइज कर देती हैं एक तरीके से, कि कौन कौन सा पैसा जो है, कितना पैसा जो है ऑपरेटिंग में जा रहा है, कितना पैसा इन्वेस्टिंग में जा रहा है, कितना पैसा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जा रहा है, ठीक है। सो ये वो कैटेगराइज कर देते हैं फ्लो के जो पैसे होते हैं उसको, ठीक है ना। द प्राइमरी पर्पस इज टू असेस द कंपनीज लिक्विडिटी एंड कैश पोजिशन। अब इसका जो मेन पर्पस है वो यही है कि कंपनी का लिक्विडिटी चेक करना। कंपनी का लिक्विडिटी का मतलब हो गया कि कंपनी के पास कैश कितना है। अगर कंपनी को ऑपरेट करना है तो कंपनी को ऑपरेट करने के लिए हमेशा कैश की आवश्यकता पड़ती है। हो सकता है कि कैश आपके पास रिजर्व में हो, लेकिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो ऑपरेटिंग कैश है वो आपके पास होना चाहिए। अगर अचानक से आपको किसी से किसी को कुछ पैसे चुकाने पड़े तो क्या आप उस पैसे को चुका पाएंगे, है ना। तो कंपनी की जो लिक्विडिटी है वो पता करने के लिए, और साथ ही साथ कैश पोजीशन, कितना कैश बचा है, क्या हमें और कैश इन्फ्यूज करना होगा, इस तरह की चीजें जो है आपको यहाँ से पता चल जाती है। दूसरा है टाइमिंग। तो इनकम स्टेटमेंट जैसा कि मैंने बताया, ये जब आपका ईयरली वाइज सबसे पहला तो होता है, दूसरा जो इसका रिकॉर्डिंग है ना। देखो हम लोगों ने एक्चुअली अकाउंट्स में भी पहले किया हुआ है एक्रूअल बेसिस, और एक आपका होता है कैश बेसिस। एक्रूअल बेसिस में क्या होता है कि पैसे जब एक्रू हो जाते हैं, एक्रू मतलब मान लो आपको मिलने वाले हैं तो आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे। अगर आपको पैसे किसी को पे करने हैं, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो भी आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे, राइट। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट या फिर कैश बेसिस अकाउंटिंग में क्या होता है कि जब पैसे हम लोग रिसीव करेंगे या जब पैसे हम लोग उसको पे करेंगे किसी को, तो ही उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये टाइमिंग का असर है इसमें, है ना। सो रिकॉर्ड रिवेन्यूज एंड एक्सपेंसिस व्हेन दे आर अर्न और अक्रूड, जब पैसे कमा लिए जाते हैं या खर्च होने वाले होते हैं तभी उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। भले ही आपने पैसे अभी तक पे नहीं किए हो या आपको अभी तक पैसा नहीं मिला हो, लेकिन आपको तुरंत इनकम स्टेटमेंट में उसको रिकॉर्ड कर लेना होता है, क्योंकि हम लोग जो मेन अकाउंटिंग करते हैं वो आपका कंप्लीटली एक्रुअल बेसिस पे वर्क करता है, और करना ही चाहिए। अगर कैश बेसिस पे करेंगे तो हमारा बिजनेस का कुछ ठीक तरीके से पता ही नहीं चल पाएगा। अगर आपको 10 साल बाद किसी से पैसे मिल रहे हैं और आप उसको अगर कैश बेसिस में एंट्री कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है, चलो ठीक है, लेकिन इनकम स्टेटमेंट तो आपका बिगड़ जाएगा। 10 साल पहले का पैसा अगर आपको किसी साल मिल जाए तो अचानक से आपका प्रॉफिट दिखने लगेगा। हो सकता है कि आपकी कंपनी को लॉस हो रहा हो कई सालों से, लेकिन कोई भारी भरकम अमाउंट अगर पहले का ड्यू किसी का आपको मिल जाए तो उस साल तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि अच्छा इस साल तो मेरा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन आपको प्रॉफिट एक्चुअल में हुआ नहीं। हुआ ये है कि आपको पैसे जो पुराने ड्यूज थे वो आपको मिले हैं, ठीक है ना। सो इनकम स्टेटमेंट में हमेशा एक्रूअल चीज को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और कैश फ्लो में सिंपल सा रूल है, जब कैश आएगा तो ही रिकॉर्ड करेंगे और कैश खर्च कर होगा तो ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फोकस इज ऑन एक्चुअल कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है, सिंपल। तीसरा है कंटेंट। कंटेंट की अगर बात करें तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ, थोड़ा जस्ट पहले वाले पॉइंट में हम लोगों ने किया था कि इसमें रिकॉर्डिंग क्या क्या होता है। इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या रिकॉर्ड होता है? इनकम स्टेटमेंट में आपका रिवेन्यू रिकॉर्ड होता है। रिवेन्यू में देखो यहाँ पे सेल्स फीस की बात कर दी गई है, फीस हालांकि खैर कोई बात नहीं, उसको भी लिख सकते हैं। एक्सपेंसेस यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स को जो आपने बेचा है, बेचने में बेचने तक आपका जो है कितना खर्चा हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपका कितना है, इंटरेस्ट है, टैक्सेस है, ये सारी चीजें आपकी कितनी है, नेट इनकम आपका प्रॉफिट कितना है, ये सारा जो है कंटेंट आपको देखने को मिलेगा इनकम स्टेटमेंट में, ये सारा चीज आपको दिखता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ठीक इसका उल्टा है। उल्टा मतलब ये सारी चीजें छोड़ के बाकी की जो सारी चीजें हो गई, पैसा आया पैसा गया कहाँ पे वो रिकॉर्डिंग होगा। देखो यहाँ पे कैश आपने जब किसी से लिया है, जब आप किसी से उधार ले रहे हो, बैंक से ले रहे हो या फिर किसी व्यक्ति से ले रहे हो, तो उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे होगी। क्या कैश किसी आपने किसी को कैश पे करना है, मतलब आपने पे किया है, ठीक है ना, उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे होगी। देखो यहाँ पे डिविडेंड्स की बात हो रही है, डिविडेंड्स अगर आपने पे किया है तो वो रिकॉर्ड करना है। इशूइंग स्टॉक, अगर आपने स्टॉक इशू किया है, जब जब आप स्टॉक इशू करते हो तो उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं, कैश आप रिसीव करते हो, तो उस टाइम पे उसकी रिकॉर्डिंग होगी। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड की जाती है।
ठीक है, क्लासिफाइज कैश फ्लोज इनटू थ्री कैटेगरीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो मैंने कि अभी बताया था ऑपरेटिंग, आपका इन्वेस्टिंग और तीसरा था फाइनेंसिंग। तो ऑपरेटिंग में आपका कैश फ्रॉम बिजनेस फ्रॉम कोर बिजनेस ऑपरेशंस, जो बिजनेस का मेन जो काम है, जो जो काम आप कर रहे हो, जो बिजनेस आप चला रहे हो, उसमें जो कोर है मतलब जो मेन बिजनेस से रिलेटेड जो कैश होगा उसकी रिकॉर्डिंग जो है आप वहां पे करते हो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, क्योंकि वो डेली का है, वो आपको रिकॉर्ड करना है। इन्वेस्टिंग जो होता है वो बार बार नहीं होता है, इन्वेस्टिंग सही समय आने पे आप कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हो, ठीक है ना। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को भी रिकॉर्ड किया जाता है, कैश फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एसेट्स, है ना, कोई सेल आपने कोई एसेट आपने बाय कर लिया उसको रिकॉर्ड करना है, कोई एसेट आपने सेल करके प्रॉफिट कमाया उसको रिकॉर्ड करना है, एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। और जब आप फाइनेंस करोगे, जब आप कहीं से जैसे कि आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इट इज ऑल्सो लाइक इन्वेस्टमेंट, आप बोल सकते हो कि कैश आपने जो है बोरो किया, तो कोई बंदा आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है तभी तो आप उससे बोरो कर पा रहे हो। सो यहाँ पे अदर वे अराउंड हो रहा है, ऐसा नहीं कि आप कर रहे हो बट कोई और आप पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो इट इज लाइक आपको फाइनेंस किसी को करना है या आपको किसी से फाइनेंस लेना है, तो वो सारी चीजें जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंडर में, इस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की कैटेगरी में रिकॉर्ड होगा अंडर दी कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। यस एडिशनल बेनिफिट्स, कौन कौन से बेनिफिट्स एक्स्ट्रा की आपको देखने को मिलते हैं जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को रेडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इन्वेस्टर्स की बात करेंगे कि इन्वेस्टर्स को क्या क्या फायदा होता है जब आप इनकम स्टेटमेंट या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल है, आप अगर सिर्फ पॉइंट्स को याद रखोगे ना आप आराम से इसको बना बना के लिख लोगे, वो भी यहाँ पे सिर्फ एक दो एक ही लाइनें लिखी है, आप वहां पे दो तीन चार पांच लाइनें लिख सकते हो, काफी ईजी है। इन्वेस्टर्स को क्या फायदा होगा इनकम स्टेटमेंट से, इनकम स्टेटमेंट से इन्वेस्टर को ये फायदा होगा कि उसको पता चलेगा कि जो जिस कंपनी में उसने पैसे लगाए हैं वो कंपनी कैसा रन कर रही है, ईयर ऑन ईयर उसका कंपनी का ग्रोथ कितना है, इस साल उसका प्रॉफिट कितना हुआ है, पिछले साल उसका प्रॉफिट कितना था, आने वाले समय में उसका प्रोजेक्टेड प्रॉफिट कितना हो सकता है, ये सारी चीजें जो है आप इनकम स्टेटमेंट से पता लगाई जा सकती है ना। सो इट हेल्प्स इन्वेस्टर्स एज एस अ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड एबिलिटी टू जनरेट अर्निंग, है ना। ये हो गया जो मैंने बोला, वो भी आप यहाँ पे ऐड करके लिख सकते हो, काफी सारे पॉइंट्स बन जाएंगे। आप खुद को एज ए इन्वेस्टर सोचो कि आप अगर किसी कंपनी में पैसे लगाए हैं तो आप क्यों लगाओगे, और जो जो आपके मन में आ रहा है आप उसको लिख दो। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्या फायदा होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलेगा कि कैश की लिक्विडिटी उसके पास कितनी है ना। कोई भी कंपनी के पास अगर कैश की लिक्विडिटी नहीं होगी तो वो अपना एसेट बेच करके तुरंत पैसे का इंतजाम नहीं करेगा ना, वो लोन ही लेगा। उसका मतलब है कि अगर वो लोन ले रहा है तो उसके पास डेट बढ़ रहा है, जो उधार है वो बढ़ रहा है ना। सो उसके पास लिक्विडिटी की कमी है, तो जो जिस कंपनी के पास लिक्विडिटी की कमी होगी वो कंपनी ज्यादा दिन तक रन नहीं कर पाएगी। तो ये इन्वेस्टर को पता चलता है कि चलो लिक्विडिटी अगर अच्छी है, कंपनी के पास पैसे हैं, तो वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को, लॉन्ग टर्म की बात हम लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म तो कुछ भी हो सकता है, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, तो लॉन्ग टर्म में आपके पास पैसे होंगे या नहीं होंगे वो तो अनसर्टेन है, वो उसका कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है, किसी को आपने उधार लिया है, किसी से आपने लोन लिया है, आपको उसको रीपे करना है, तो वो चुकाने का जो हैसियत है उस कंपनी का है या नहीं, है ना, ये पता करने का काम जो है इन्वेस्टर का है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चल जाता है। दूसरे लोग हो गए क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को भी जानना होता है भाई इनकम स्टेटमेंट से उनको क्या क्या जानकारी मिलती है। क्रेडिटर्स क्या हो गए, क्रेडिटर्स वो लोग हो गए जो आपको उधार में सामान देते हैं, और डेटर्स वो लोग हो गए जिनको आप उधार में सामान बेचते हो, ठीक है। सो क्रेडिटर्स को इनकम स्टेटमेंट देख के क्या फायदा है, वो ये देखेगा कि जो मैंने सामान उसको उधार में दिए हैं वो सामान कैसा बिक रहा है, क्या उसका सेल ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है ना। क्योंकि अगर वो वैसा होगा तभी तो उसकी उधारी चुकता होगी, जिसने मुझे उधार दिया है वो तो इसी उम्मीद में बैठा है ना कि मेरा प्रॉफिट होगा तो मैं उसको उधार को चुका दूंगा, है ना। तो उसके लिए जस्ट तो असिस्ट क्रेडिटर्स इन इवैल्यूएटिंग अ कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट टू रीपे लोन्स, है ना। सो वो क्रेडिटर्स जो है असिस्ट करता है इनकम स्टेटमेंट क्रेडिटर्स को कि वो इवैल्यूएट करे कंपनी की एबिलिटी को कि कंपनी की औकात कितनी है जनरेट प्रॉफिट को जनरेट करने की, और साथ ही साथ जो लोन्स आपने लिए हैं, आप जो सामान ले रहे हो वो भी आप लोन पे ही सामान ले रहे हो ना, तभी तो आप पैसे दोगे उसको, तो लोन्स को रीपे करने का आपके पास पैसा है या नहीं। सो क्रेडिटर्स को इस बात में को जानने में इंटरेस्ट होता है, साथ ही साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट तो उनको सबसे ज्यादा जानना होता है, क्योंकि अगर कैश होगा तो उनकी उधारी जल्दी चुकता हो जाएगी, कैश नहीं होगा तो फिर तो भाई लटक गए, है ना। सो ऑफर सो देखो यहाँ पे बोला गया उसके लिए स्पेशली कि ऑफर्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ द कंपनीज कैश फ्लो, ठीक है, उसको कंपनी का जो जो क्लियर पिक्चर है कैश फ्लो का वो पता चल जाता है, एंड इट्स कैपेसिटी टू मीट डेट ऑब्लिगेशंस, जो डेट ऑब्लिगेशंस है उसको वो मीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, आई मीन कंपनी मीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा,
इस बात की जानकारी क्रेडिटर को हो जाती है। तो उसको एक आइडिया हो जाता है कि इसको अगला उधार देना है कि नहीं देना है। अगर वो अपने पुराने उधार चुकता नहीं कर पा रहा है तो नया उधार कहाँ से करेगा, है ना, सिंपल सी बात है। तीसरा है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट को पैसे से लेना देना कुछ नहीं है, मैनेजमेंट को बस ये जानना है कि कंपनी ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है ना। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चल जाएगा कि किस प्रोजेक्ट में ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो जिस प्रोजेक्ट में ज्यादा फायदा होगा आप इन्वेस्टमेंट उसी में करोगे, ऐसी कंपनी में ऐसे प्रोजेक्ट में क्यों करोगे जहां से आपको इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। तो ये डिसीजन लेना कि डेफिनेटली किस प्रोजेक्ट में पैसे लगाने हैं किस में नहीं लगाने हैं, वो काम मैनेजमेंट का है, मैनेजमेंट ये काम करता है। सो इनकम स्टेटमेंट के बारे में देख लेते हैं। सो इट गाइड्स मैनेजमेंट इन मॉनिटरिंग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। जो आपका ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है मंथली बेसिस, उसको चेक करता है मैनेजमेंट, एंड मेकिंग डिसीजंस टू इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। और वो डिसीजंस लागू करता है, डिसीजंस लेता है, ताकि आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को और अच्छा कर सके, मतलब कंपनी जो है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को और अच्छा कर सके। तो मैनेजमेंट उसलिए जो है इनकम स्टेटमेंट को देखता है। साथ ही साथ वो कैश फ्लो स्टेटमेंट को क्यों देखता है, क्योंकि उसको ये चेक करना होता है कि जो पैसे का है, जो रिसोर्सेज है, कैश क्या है, एक तरह का रिसोर्स है ना, जिसके जरिए सारे काम हो रहे हैं, तो उनके रिसोर्सेज को ठीक तरीके से मैनेज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, सही जगह पे उसका उसको लगाया जा रहा है कि नहीं लगाया जा रहा है। अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगा देते हो जहां से कोई रिटर्न नहीं है, जो ROR है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI सॉरी, वहां से आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है ना। सो सपोर्ट्स मैनेजमेंट इन मैनेजिंग कैश रिसोर्सेज, ऑप्टिमाइजिंग वर्किंग कैपिटल एंड प्लानिंग फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब आपको करना पड़ेगा, आप कोई एसेट खरीदोगे या कुछ करोगे, तो उस चीज में आपके पास पैसे होने चाहिए। पैसा है या नहीं है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, और उस चीज के लिए मैनेजमेंट जो है काम करती है। तीसरा है रेगुलेशंस एंड टैक्स अथॉरिटीज। ठीक है, सो इनकम स्टेटमेंट से पता चलता है कि किसका किसको कितना टैक्स पे करना है ना। जो इनकम टैक्स वाली जो अथॉरिटी है उसको पता कैसे चलेगा कि उसको मुझे कितना टैक्स पे करना है, वो मेरा इनकम स्टेटमेंट देखेगा, वो मेरा सैलरी स्टेटमेंट देखेगा। तो किसी भी कंपनी का इनकम स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि टैक्स कितना पे करना है, टैक्स असेसमेंट होता है, देखो लिखा भी है, प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन फॉर टैक्स असेसमेंट एंड रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस। जो रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस का मतलब सिंपल सा है कि जो भी नियम कानून है आपको उसको मानना है। ठीक है, तो आपके पास प्रॉफिट आपको कितना हुआ है, उसके ऊपर कितना टैक्स पे करना है, ये आपको पता रहेगा, तभी तो आप उसको नोटिस भेजोगे कि भाई तुमको इतना नहीं इतना पे करना है, ज्यादा पे करना है, तुमने कम पे किया है। जो रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस है उसके साथ आप तभी तालमेल बिठा सकते हो जब आपके पास इनकम स्टेटमेंट की जानकारी हो और इनकम टैक्स लाइबिलिटी इसके बारे में जानकारी रखती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से कुछ खास इनकम टैक्स को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जानबूझ करके चेक करते हैं कि कहीं यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग या फिर ब्लैक मनी इस तरह की चीजें तो नहीं आ रही है। अगर किसी कंपनी में अचानक से बहुत सारा पैसा आ जाए तो आईटी तो छोड़ेगा नहीं, आईटी डिपार्टमेंट बोलेगा कि इतना सारा पैसा आखिर आया तो आया कहाँ से, है ना। सो वो चीज के लिए वो लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को चेक करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है। बड़े बड़े बिजनेसेस को तो छोड़ ही देते हैं वो लोग, जो मीडियम होते हैं एमएसएमई सेक्टर वाले उनका थोड़ा सा ज्यादा होता है, स्मॉल के ऊपर भी उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। क्योंकि अगर आप बार बार किसी को पैसे को लेकर के परेशान करेंगे ना, तो वो बंदा बिजनेस ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा, और बिजनेस को ग्रो करने के लिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा उसको छूट दें। लेकिन हाँ, जहां पे क्लेम उठता है कि नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ है, देखो आईटी के नजर में हर चीज है, सब कुछ पैन कार्ड में हो रहा है। जो बिजनेस का पैन कार्ड होता है, बिजनेस के पैन कार्ड में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो वहां पर रिकॉर्ड हो रहा है, तो पैन कार्ड से उसको सारा जानकारी मिल जाएगा, तो वो छोड़ेगा नहीं इतने आसानी से, है ना। सो असिस्ट इन वेरीफाइंग टैक्स पेमेंट्स, तो ये टैक्स पेमेंट वेरीफाई करने में हेल्प करता है, आपने टैक्स पे किया है कि नहीं किया। आप तो कैश से करोगे ना, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट वो पता चल जाएगा। साथ ही साथ आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल डिस्क्रिपेंसीज, है ना, जो डिस्क्रिपेंसी है, सपोज आपको पता चला कि अचानक से आपके कैश कैश फ्लो का जो अकाउंट है वहां से अचानक से 2-3 करोड़ रुपए गायब हो गए, 10 साल पिछले साल कुछ और था, इस साल कुछ और है, तो ये जो डिस्क्रिपेंसी क्रिएट हुआ, ये जो सिमिलैरिटी मतलब अनसिमिलैरिटी या फिर डिससिमिलैरिटी जो क्रिएट हुआ, ये क्यों क्रिएट हुआ, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट देख करके ही पता चलेगा। ठीक है ना, सो वो चीज है। पांचवा नंबर है एनालिस्ट, जो कंपनी को चेक कर एनालाइज करते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है ना, उनके लिए भी काफी जरूरी है। इन लोगों को कुछ खास लेना देना है नहीं, ये लोग बस चेक करते हैं और अपना जो इन्फॉर्मेशन होता है वो पब्लिक के साथ शेयर कर लेते हैं, पब्लिक के साथ ही मिलने शेयर करते हैं। ठीक है, सो एनालिस्ट इनकम स्टेटमेंट ऑफर्स डेटा फॉर फाइनेंशियल रेशियोज लाइक अर्निंग पर शेयर। यहाँ पे जो एनालिस्ट होता है उसको अर्निंग पर शेयर पता चल जाता है इनकम स्टेटमेंट से, साथ ही साथ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो पीई रेशियो होता है, ये सारी चीजें जो है शेयर मार्केट में काफी ज्यादा यूज में आती हैं। पीई रेशियो तो खास कर बहुत ज्यादा आता है, और वो इनकम स्टेटमेंट देख करके बहुत सारी कंपनी, जैसे मनी कंट्रोल हो गया है ना, इन्वेस्टिंग हो गया, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कि किसी भी कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देख करके
ये सारी जानकारी अर्निंग पर शेयर, पी रेशियोज, ये सारी निकालती हैं, और जिससे हम लोगों को हेल्प मिलता है। हम लोग इन्वेस्ट करते टाइम इन सारी चीजों को देखते हैं कि क्या है, नहीं है, पी रेशियो ऊपर है या ज्यादा है, आई मीन कम है, वो चेक किया जाता है। दूसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो कैश फ्लो से उनको बस इतना ही पता चलेगा कि कंपनी काम किस तरीके से कर रहा है, कैश कितना है, लॉन्ग टर्म में कंपनी ठीक तरीके से चलेगा कि नहीं चलेगा। सो इट एनेबल्स एनालिस्ट टू एक्सेस द कंपनीज कैश फ्लो रेशियो, जो कैश फ्लो का रेशियो है, एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियली वो बिजनेस कितना स्टेबल है, कितना आपके पास उधारी है, कितना आपको किसी को देना है, ये सारी चीजें जो है एनालिस्ट एनालाइज करता है और उसके बेसिस पे उस चीज को पब्लिक के सामने रखता है। सो दैट्स इट, इसको कंक्लूड करते हैं। इन समरी, व्हाइल द इनकम स्टेटमेंट फोकसेस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, द कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड्स क्रिटिकल इनसाइट्स इनटू कंपनीज कैश मैनेजमेंट एंड लिक्विडिटी। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट से हम लोग को ये पता चल गया कि प्रॉफिट कितना है, बिजनेस ईयर ऑन ईयर कैसा ग्रोथ कर रही है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट से मेजर जानकारी आपको मिलती है, मेजर इंसाइट्स आपको मिलता है। इंसाइट्स इज लाइक जानकारी, है ना, मेजर इंसाइट्स से बिल्कुल आपको पता चलता है कि यस कंपनी का कैश मैनेजमेंट किस तरीके से हो रहा है, कंपनी के पास लिक्विडिटी है या नहीं है, कैश है या नहीं है, अगर नहीं है तो पैसा कहाँ गया, है ना, इस तरह की जानकारी। बोथ स्टेटमेंट्स आर एसेंशियल फॉर कॉम्प्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्प्रीहेंसिव इज लाइक कंप्लीट कंप्लीट जानकारी, है ना, अगर आपको पूरी तरह से जानकारी लेनी है किसी भी कंपनी का, तो आपको ये दो चीजें आप चेक करनी होगी। आप सिर्फ इनकम देख करके आप पता नहीं लगा सकते कि कंपनी कैसा काम कर रही है, हो सकता है कि प्रॉफिट हो रहा हो लेकिन कैश है ही नहीं, अगर कैश नहीं है इसका मतलब आपको लोन लेना पड़ेगा, आपका डेट और बढ़ेगा, है ना। सो वो चीज है यहाँ पे। यस सो बोथ स्टेटमेंट्स आर एसेंशियल फॉर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल हेल्थ एंड आर वैल्यूएबल टू वेरियस स्टेक होल्डर्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ये जो मैंने पांच नाम बताए हैं यही स्टेक होल्डर्स हैं, और इन्हीं स्टेक होल्डर्स को जो है फायदा मिलता है जब ये लोग इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट दोनों को यूज करके चेक करते हैं कि भाई क्या चल रहा है कंपनी में। ठीक है, सो दैट्स इट, आई होप कि टॉपिक समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक सर, नहीं सर, अच्छा लगा। सर, है एक्सक्यूज मी सर, जी, कहिए। सर एक टॉपिक में कुछ कंफ्यूजन था सर। क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटिंग। सर उसका एक पॉइंट था ये कि स्टैंडर्ड कॉस्ट इन्फेसेस द कॉस्ट लेवल विच शुड बी रिड्यूस्ड, एंड बजट का था कि सर बजट इन्फेसेस कॉस्ट लेवल विच शुड नॉट बी एक्सीडेड। सर तो आई वांट टू नो दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस लाइंस। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को एग्जैक्टली समझ में नहीं आया। ये PDF आप शेयर कर सकती हैं अभी? नो सर, जैसे कि सर एक क्वेश्चन फिर था से सर, बोलिए, व्हाट फिर इज से द बोलिए। डिफरेंस। सर वो जैसे समझ में आ क्वेश्चन गया, था, व्हाट पॉइंट इज पॉइंट क्या था, लाइन क्या था। पॉइंट है सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट इम्फेसिस द कॉस्ट लेवल विच शुड बी रिड्यूस्ड। ओके, एंड बजट्स का है सर कि बजट्स इम्फेसिस कॉस्ट लेवल विच शुड नॉट बी एक्सीडेड। हाँ, तो बहुत सिंपल सा तो लाइन है, काफी सिंपल लाइन। देखो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब है वो कॉस्ट जो आपने एक स्टैंडर्ड यस सेट सर, कर दिया है कि इतना खर्च जो है आपका हो सकता है। सपोज आप कुछ करने वाले हो, आप अपने ऊपर कुछ खर्च करने वाले हो, तो एक स्टैंडर्ड आपने रख दिया है अपना कि हर महीने सपोज आपके ऊपर 5,000 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो आपको पता चल गया कि हर महीने मेरा स्टैंडर्ड है कि 5,000 रुपए तक मेरा तो खर्च होना ही है ना। और हमेशा आपको कोशिश करना है कि जो खर्च जो कंपनी जो करती है, एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कॉस्टिंग मान करके उसको हमेशा रिड्यूस करने की कोशिश करती है। हालांकि एक्सीड भी किया जा सकता है, एक्सीड भी हो जाता है समटाइम्स। एक्चुअल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में तो काफी डिफरेंस है, एक्चुअल कॉस्ट कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट का यस मतलब हो गया सर, कि एक स्टैंडर्ड खर्चा, जैसे कि यस इनकम सर, टैक्स की पर तरह, वो जैसे फिक्स्ड कि होता है ना। फिक्स नहीं होता है। कंपनी एक्चुअली अपने एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग उस चीज को फिक्स करती है। जैसे मैं आपको एक चीज छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप टायर 1 सिटी में रह रही हैं, अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं, तो जो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा ना, वो आपको सपोज 5 से 10 हज़ार रुपए के बीच में कोई एक अमाउंट होगा, ठीक है, टायर 1 सिटी में मैं बता रहा हूँ। और जी दूसरा जो सर, टायर 2 सिटी होगा, सपोज वहां पे 3 से 5 हज़ार के बीच में है। टायर 3 सिटी में, मतलब जो थोड़ा सा लो इनकम ग्रुप वाला सिटी है, वहां पे हो सकता है कि 1 से 2 हज़ार तक का जो है आपको हाउस रेंट मिले, हाउस रेंट अलाउंस मिले, HRA मिले। लेकिन ये जो अमाउंट मैं बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट फिगर में होता है कि स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड जो है एचआरए का किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में सपोज 7,000 रुपए है स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड है ना, वो फिक्स है। आप बोल सकते हो उसको जी फिक्स है, हाँ फिक्स ही बोलना सही होगा, ठीक है ना, वो फिक्स है। और सर, बजट क्या होता है कि बजट में आपने बजट एलोकेट करके रखा है कि चलो 7,000 रुपए ही खर्च होगा, उससे ज्यादा खर्च नहीं होना यस चाहिए। सर, जैसे कि मेरा अगर कोई ओके सपोज सर, मेरे घर में कोई शादी वगैरह है और मुझे खर्च करना है, तो मैं एक बजट बनाऊंगा ना पहले कि चलो 5 लाख रुपए में जो है सारा हो जाएगा,
जी सर, और बजट एक्सीड नहीं होगा, है ना? एक्सीड नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत खर्चा ज्यादा जोड़ करके ही बजट बनाते हो। जब भी बजट बनता है तो जो खर्च जी होने वाला सर, होता है उससे ज्यादा ही बनाया जाता है ना? जी तो सर, वो उसके यस ऊपर सर, नहीं जाता, जनरली अमाउंट जो है, जो एक्चुअल खर्च है, वो बजट के ऊपर नहीं जाता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है, जब जरूरत पड़ा है तो वो उसको क्रॉस कर जाता है। खासकर गवर्नमेंट की जो हाँ स्पेंडिंग्स होती है वहां पे, तो हम लोग कई बार ऐसा देखते हैं। ठीक है, सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज लाइक अ फिक्स, एक जो है अमाउंट बता दिया गया है कि ये हमारा स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड अमाउंट है, इतना ही आपको लेना है ना, इससे ज्यादा नहीं होगा। बजट में उसको मतलब कम किया जाता है, बजट में एक बजट दे दिया गया है कि इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो होगा इसके अंडर ही होगा। बजट में जो ओके अमाउंट सर, होगा उसके अंडर ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो काफी सिंपल सा ओके, स्टेट यस सर। लाइन है ये, इतना मुश्किल नहीं है। नो सर, एक्चुअली मुझे कंफ्यूजन था, सो दैट्स व्हाई मैंने पूछ लिया। कोई नहीं कोई नहीं, होता है होता है। ठीक है ठीक है, देन यस सर, आखिर के 10 मिनट्स बचे हैं, अच्छा है, स्टडी करते रहिए, कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछिए, और कोशिश कीजिए, यहाँ पे ना ओके वो सर, शेयर करने का ऑप्शन है, अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा ना तो आप फोन से करिए या लैपटॉप से कर रही हो? सर फोन से ही सर। फोन से ना, ठीक है, कोई कोई इशू नहीं है। तो फोन में उस पीडीएफ को ना ऑन करके मैं शेयरिंग का ऑप्शन आपको दे दूंगा, तो आप ना अपनी स्क्रीन को शेयर कर ओके पाओगे, तो उसको ना मैं देख लूंगा। यहाँ पे थोड़ा साउंड का इशू है, मैंने हालांकि अभी सर, ले ये लिया सर है इस जेवियर। तरह यहाँ पे पीडीएफ पे भी शेयर कर देंगे यहाँ सर, कुछ ऐसा अगर कंफ्यूजन हो सर तो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते। बिल्कुल बिल्कुल, नॉट एन इशू, वहां पे तो मैं आराम से मतलब वो रिकॉर्डिंग ऑन करके वहां पे भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी सर, यहाँ पे मैं, ओके हालांकि सर, मैंने ओके, माइक विथ हेडफोन लिया है अभी रिसेंटली, बट अभी मैं उसके साथ नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं डायरेक्टली लैपटॉप से ही कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो थोड़ा मुझे साउंड को लेकर के प्रॉब्लम हो रहा था। खैर कोई नहीं, ये सो सर। और सर अगर ऐसे कुछ अगर कंफ्यूजन भी होगा सर, तो हम लोग तो ऐसे भी लास्ट वीक तो करते ही क्लासेस, तो उसमें सारा डाउट्स क्लियर कर लेंगे, ठीक है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डाउट सेशन क्लासेस सर, बिल्कुल की ओके जाती ओके है। ठीक है देन, सर, ओके, ओके सो अगला क्लास जो है मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, बीच में अभी तो है आई गेस छुट्टियां होंगी, अब तो छुट्टी पड़ने वाली है, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्लासेस जी कर सर, सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये भी है कि गाना वगैरह काफी बजने लगता है, फेस्टिवल का टाइम है, यस वो एक सर, और इश्यू है। कर पाएंगे भी सर तो आई थिंक 8 बजे के बाद ही पॉसिबल है सर। शाम ओके में 8 बजे के बाद, जी सर, रात में 8, सॉरी सर, शाम में ना 8 बजे के बाद ही पॉसिबल हाँ, ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, वी विल डिस्कस इट अबाउट, वी विल डिस्कस अबाउट इट इन व्हाट्सएप। ठीक है, सो उसको लेकर कोई लोड नहीं लेना है, एंड है। ओके सर, स्टडी करते रहिए। एंड मैं काफी दिनों से कह रहा हूँ, मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, एकदम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आज कर दूंगा। ठीक है, डोंट वरी, आज पक्का कर दूंगा। ठीक ओके सर, ओके सर, है ओके, ठीक है ओके गाइस, सर, टेक थैंक केयर, यू, या ठीक, या ओके सर, ठीक, ओके सर, ओके देन, या थैंक यू बाय, सर, गुड गुड, नाइट गुड नाइट। ओके सर, बाय, थैंक यू।